Vaisnava Vishnavetva Om Mandras Manjali Samarpayami Bhagavate Sri Vishnave Namaha. मानस्य अद्य ब्रह्मनोहनि द्वितीय प्रार्थे श्रीश्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनुवंतरे प्रथम चरणे नेपाल देशे इनरवानग्रे स्थितं रामजानकी देवालये प्रांगणे मासानां मासोत्तमे सुख वृद्धि अर्थम धन वृद्धि अर्थम स्थितेषु श्री राम कथा च महम चतुर्थ दिवस्य पूजाम महम करिष्ये सर्वाहम चतुर्थ दिवस्य पूजाम महम करिष्ये ओम जगजाग्रतो दूरमुदयति दैवं तथैव इति दूरंगमं ज्योतिकं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ओम संकल्पितार्थाः चितया सन्तो पूर्णा सन्तु मनोरथा सत्तूणां बुद्धिना सोऽस्तु अमृतानां बुद्धिस्तव ओम ओम ओम
श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री भगवत्यै सरस्वत्यै नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। रख लाज मेरी गणपति, रख लाज मेरी गणपति, अपनी कृपा अब कीजिए कर आज मंगल गणपति, कर आज गणपति अपनी शरण में लीजिए। रख लाज मेरी गणपति, रख लाज गणपति। सिद्धि विनायक दुख हरण संताप हारी सुख करण, सिद्धि 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 विनायक दुख हरण संताप हारी सुख करण, संताप हारी सुख करण। करूं प्रार्थना में नित प्रति, करु प्रार्थना में नित्य प्रति, वरदान मंगल दीजिए। रख लाज मेरी गणपति, अपनी कृपा अब कीजिए कर आज मंगल गणपति, तेरे ध्यान में खोबे मती। पर नाम अब शुभ लीजिए, रख लाज मेरी गणपति, अपनी कृपा अब कीजिए कर आज मंगल गणपति, कर आज मंगल गणपति, अपनी शरण में लीजिए। रख लाज मेरी गणपति।
करते प्रथम तेरी वंदना, तेरा नाम है दुख वंदना, करते 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 प्रथम तेरी वंदना, तेरा नाम है दुख वंदना, तेरा नाम है दुख वंदना, करना प्रभु मेरी शुभ गति, करना प्रभु मेरी शुभ गति, अब तो शरण पर रीजिए, रख लाज मेरी गणपति, अपनी कृपाव कीजिए, कर आज मंगल गणपति, कर आज मंगल गणपति, अपनी शरण में लीजिए, रख लाज मेरी गणपति, रख लाज मेरी गणपति, रख लाज मेरी गणपति। सीताराम कहिए सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए जाहि बीती रखेरा ताहि बीती रहिए, सीताराम 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 कहिए जाहि बीती रखेरा ताहि बीती रहिए, सीताराम सीताराम नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे प्रभु तेरे साथ में, विधि का विधान जान विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है जाहि रीति राखे प्रभु जी ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए जाहि रीति राखे प्रभु जी ताहि विधि रहिए, अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा, फल आशा त्याग फल आशा त्याग, शुभ कर्म करते रहिए जाहि विधि राखे प्रभु जी ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे हरि हर ताहि विधि रहिए, सीताराम
जिंदगी के डोर सौ हाथ दीना ना। इस भजन की बड़ी ही उम्दा करी है। जिंदगी की डोर सौ हाथ दीना नाथ के महलों में राखे जाए झोपड़ी में बास दे। जिंदगी की डो जिंदगी की डो जिंदगी की डोर सो हाथ दीना नाथ के महलों में रखे जाए झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जाहि बीती राखे हरि हल्लाई दे दे रहिए। सीता राम कहिए जाही बीती राखे प्रभु जी ताही बीती रहिए। सीता राम सीता राम आशा छोड़ दे अंतिम आखिरी कड़ी है नहीं। दिस सॉन्ग इज द बिकम फर्स्ट एंड लास्ट स्पीच। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़। साधु संग राम रंग साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए जाहि बीती राखे हरिहर ताहि बीती रहिए। सीता राम सीता राम सीता राम कहिए जाहि बीती राखे प्रभु जी ताहि बीती रहिए। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जाहि बीती रहिए राखे प्रभु जी ताहि बीती रहिए। सब सब भक्त जना हरुमा श्री राम जन की गुट्ठी संस्था हार्दिक अभिनंदन गरेछु गर्दछु जय जय निज मन मुकुर सुधा वरुण रघुव विमल जसु जो दायक फुंचारी
बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती हूँ लोक उजागर राम दूत अतुलित वरधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केश हाथ वज्र ध्वजा विराज कांधे भुज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंत विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करिबे को वा प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे डाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सिउर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही समभाई सहस बदन तुम रोज सगावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कौति कहीं सके कहाँ तुम उपकार सुग्री वही कीना राम बिनाय राजपद दीना तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र जो जन पर भानो लियो ताही मधुर फल जानो प्रभु पुत्रिका मेरी मुख माही चल दिलांग गए अचरज ना दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रघवारे ओ तुना आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहय तुम्हारी शरवना तुम रक्षक काहू को डरना
आपन तेज संहारूंगा पे तीनों मुख हाक तेगा भूस पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ना से रोग हरे सब पीरा शपथ निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान जुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जुड़ावे पर राम तपस्वी राजा दिन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता स्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहां जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न करई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान जी गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सतवार पाठ कर होई छूट ही बंदी महा सुख होई जो यह बढ़े हनुमान चालीसा हो ही सिद्ध साथी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महनेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय हो एक बार एक महात्मा ने मीरा जी से कहा कि मीरा तुम तो प्रभु की दीवानी हो फिर तुम्हारी आंखों में अश्रु क्यों हे काहे तेरी अखियों में पानी काहे तेरी अखियों में पानी हे काहे तेरी अखियों में पानी काहे तेरी अखियों में पानी कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी हे कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी हे दीवानी 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 हो मीरा कृष्ण दीवानी हो मीरा श्याम दीवानी हो मीरा कृष्ण दीवानी हो मीरा श्याम दीवानी है काहे तेरी दीवानी मीरा श्याम दीवानी
दीवानी मेरा शब दीवानी हंस के तू पी ले, हंस के तू पी ले विष का प्याला तो है कटल तोर संग गोपाला तो है कटल तोर संग गोपाला है मीरा 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 हंस के तू पी ले विष का प्याला तो है क्या डर तोरे संग गोपाला तो है क्या डर तोरे संग गोपाला तेरे तन की ना होगी हानि तेरे तन की ना होगी हानि कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी हे कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी हे दीवानी 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 मेरा कृष्ण दीवानी हो मेरा श्याम दीवानी हो मेरा कृष्ण दीवानी हो मेरा श्याम दीवानी सिर्फ राधा नहीं मेरी रानी राधा नहीं है मेरी रानी कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी हे कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी हे दीवानी 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 मेरा कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी हो मेरा कृष्ण जाके तन की लाकड़ी सुलगत हो दिन रहे जाके तन की लाकड़ी सुलगत हो दिन रहे कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी कृष्ण दीवानी मेरा तोरा दिन तना ना 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 देर ना रे तना दिन तना ना 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 देर ना रे तना दिन तना ना ना देर 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 तना दिन तना ना ना
दीवानी मेरा श्याम दीवानी हे कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी हे कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी काहे तेरी अखियों में पानी हमें फिकर नहीं जिनकी जिन्हें फिकर हमारी है हमें फिकर नहीं जिनकी जिन्हें फिकर हमारी है इस जीवन नैया की खवैया चक्र सुदर्शन धारी है ऐसा असीम अटूट विश्वास करके हम सभी प्रभु पर भरोसा करें हमारे आंखों की अश्रुओं को प्रभु अवश्य ही पोछेंगे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव मेरी यह प्रार्थना है हे राम मेरी यह प्रार्थना है भूलू नहीं नाम कभी भी तुम्हारा हे राम मेरी यह प्रार्थना है भूलू नहीं नाम कभी भी तुम्हारा निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ गुरुदेव के शुभ आगमन पर करते हैं हम वंदना गुरुदेव के शुभ आगमन पर करते हैं शुभ अभिनंदना 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव माता यशोदा हरि को बुलावे माता यशोदा हरि को बुलावे जागो उठो मोहन नींद खोलो जागो उठो मोहन नींद खोलो गौएं तुम्हारी तुमको पुकारे गौएं तुम्हारी तुमको पुकारे
हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे राम नारायण वासुदेव हे श्याम नारायण वासुदेव हे राम नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव प्रेम से बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय भनु छु ना कनी आप कम कर दियो हल्का सा सदा सर्वणा मात्रेण पापीनां सद्गति प्रते शुभे राम कदे तुभ्यं रामायण भूदार पुण्यम श्री आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कनित ननित सिय पीके आरती श्री रामायण जी की कीर्ति गणित ललित सिय पीकी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष और शारद बरनी पवन सुत कीर्ति नीकी आरती श्री रामायण जी की वेद पुराण अष्टदश छओ शास्त्र सब ग्रंथन को रच गावत वेद पुराण वेद पुराण वेद गावत वेद पुराण अष्टदश छओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस्व सार अंश सम्मति सब ही की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कनित ललित सिय पीके गावत संतत शंभु भवामी गावत संतत शंभु भवामी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुशुंडी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कनित ललित सिय पीकी आरती श्री रामायण
कलिमल हरण विषय रस भी की सुभग श्रृंगार मुक्ति जुपति की कलिमल हरण विषय रस भी की दलन रोग भव मूरी अमी की तात्मा कुशव विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कली ललित जय सियाराम। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे जय सियाराम। आज हम लोग इस कथा के चतुर्थ दिवसीय कथा का लाभ उठाने आए हैं, स्मरण करने आए हैं। हम लोग आज से पहले 3 दिवसीय कथा का अनुसरण किए, तदुपरांत आज हम लोग 4 दिवसीय कथा का अनुसरण करने आए हैं। तो एक बार सभी लोग प्रेम से बोलिएगा, बोलिए श्रवणदास जी महाराज की, व्यासदेव महाराज की, श्री महाराज जी की। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं कृपया, और मन से कथा सुने। जय सियाराम, जय सियाराम। जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। बेस को कम करें। जय सियाराम, जय सियाराम। आवाज को उठाइए। जय सियाराम सीताराम। और उठाइए। जय सियाराम, जय सियाराम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां श्रीमद् रामचरितमानसाय नमः। श्री संत वैष्णव सद्गुरो विप्रचरण कमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
कृष्णाय भयं नमः। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सियामांडवे उरमिलाश्रुति कीरति बरवाम चारि कुवर चारिहु कुवरे तुलसी करत प्रणाम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नास ही विघ्न अनेक सब द्वारन को छोड़ के आई तेरे द्वार। श्री वृषभानु की लाडली जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार तुम सेवक रघुनाथ के पधारिय पवन कुमार पधारिय पवन कुमार पधारिय पवन कुमार। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घनस्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण कारण वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री दशरथ कौशल्यानंदन श्री सीताराम भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर श्री राधा कृष्ण भगवान श्री रामचरित मानस महापुराण श्री राम कथा भागवत कथा के परम रसिक आचार्य श्री हनुमंत लाल जी महाराज कलिपावनावतार श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज
प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद तपो मूर्ति संत शिरोमणि मिथिला संत कुलभूषण परमाराध्य परमादरणीय पूज्य संत श्री सद्गुरुदेव भगवान मंचासीन समस्त संत वृंद विद्वजन संगीतज्ञ कथा प्रेमी कला प्रेमी श्री राम कथा के पवित्र प्रांगण में उपस्थित एवं अनुपस्थित सभी सुधी श्रोताओं को कथा प्रेमियों को वैष्णवों को आचार्यों को भक्तिमयी माताओं को मैं इस व्यासपीठ से सादर प्रणाम करता हूँ। चरित सिंधु गिरिजा रमण वेद न पावहि पार वर्णे तुलसीदास किमि अति मति मंद गवार। एक विद्वान पुरुष की यही पराकाष्ठा होती है अथवा एक सज्जन पुरुष का यही पहचान होता है, वो चाहे कितना भी विद्वान रहे लेकिन अपने आप को गवार ही समझता है। जो बड़े लोग होते हैं वो कभी ये नहीं कहते कि मैं बड़ा हूं। तुलसीदास जी अनेक प्रकार के शास्त्रों के वेत्ता है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। इतने शास्त्र के पुराण के जानकार हैं फिर भी कहते हैं चरित सिंधु गिरिजा रमण वेद न पावहि पार वर्णे तुलसीदास किमि अति मति मंद गवार। कहते हैं भगवान शिव और मैया पार्वती के चरित्र को जब वेद भी नहीं कह सकता है, चरित सिंधु गिरिजा रमण वेद न पावहि पार, वेद भी जिनकी लीला को पार नहीं पा सकता है, ऐसे भगवान शिव और मैया पार्वती के विवाह लीला को भला मैं मति मंद तुलसीदास किस प्रकार से कहूं। भगवान के गुणगान की जो कथा होती है यदि पूरे पृथ्वी को कागज बना दिया जाए और समुद्र के जल को स्याही बना दिया जाए और जितने पेड़ हैं उन सभी पेड़ के लेखनी बना दिए जाए फिर भी भगवान के चरित्र को कोई नहीं लिख सकता। लेकिन फिर भी जिनकी जैसी गति है मति है जिनको जितना समझ है सब अपने अपने मति से भगवान के गुणगान करते हैं। ये भगवान की कथा का जो पंडाल है मानिए ये मंदाकिनी गंगा का तट है, लेकिन मंदाकिनी गंगा के तट पर बैठे सभी लोग जरूरी नहीं है कि स्नान कर ही लेते। कई लोग गंगा नहाने जाते तो हैं, लेकिन जरता जार विषम पुर लागा गए उन्ह मज्जन पाप अभागा। चले तो जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए लेकिन यदि बुखार लग जाए तो गंगा के तट पर से लौट करके चले आते हैं। उसी प्रकार जिनको भगवान की कृपा नहीं होती है पंडाल में आकर के भी इस राम कथा रूपी मंदाकिनी के तट पर आकर के भी वापस हो जाते हैं। जिन पर भगवान की कृपा होती है श्री सीताराम जी की कृपा होती है वही इस मंदाकिनी गंगा में डुबकी लगा सकते हैं। हमारे आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। आज अपनी भावना के चतुर्थ पुष्प लेकर के
भगवान श्री सीताराम जी के पावन पवित्र चरणारविंद में उपस्थित हुए हैं। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजा करके दो बार भगवान नाम कीर्तन गाएं, तत्पश्चात आज भगवान के अवतार की कथा हम सभी बड़े प्रेम से सुनेंगे। आइए प्रेम से कीर्तन गाएं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पूरा बंद मत कीजिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, हरि बोल, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राधे 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 जय श्री राधे, 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 राधे 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 जय श्री राधे, 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 राधे 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 राधे, जय जय सीताराम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
श्री हनुमान जी महाराज की। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जो महाराज की। सब संत भगवान की। श्री मोनी बाबा की। इनर बावस्ती की। कथा आयोजक समिति की। भक्तिमयी माता की। तुलसी महारानी की। श्री गौरी शंकर भगवान की। श्रोता समाज की। जय जय शिवजी का विवाह तो हो गया। अच्छा तुलसी बाबा की वैज्ञानिकता देखिए। शिवजी कौन है तो विश्वास के स्वरूप है। मैया पार्वती क्या है तो श्रद्धा की स्वरूपा है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो। बालकांड के मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो। भवानी श्रद्धा की स्वरूपा है और भगवान शिव क्या है। पंडित जी वो माइक क्या कर रहे हैं, दो दो माइक काहे रखे हो, हटाइए उस माइक। और भगवान शिव जो है विश्वास के स्वरूप है। जब विश्वास और श्रद्धा दोनों का संबंध होता है, दोनों एक होते हैं, तब पुरुषार्थ का जन्म होता है। रामचरितमानस बालकांड के 130वें दोहे के छंद में श्री तुलसी बाबा कहते हैं, जग जान खन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा। सारा संसार भगवान शिव के पुत्र के बारे में जानते हैं। शिव जी के पुत्र का नाम क्या है इतना तो पता होगा ही, बताइए माता जी। भोले बाबा के पुत्र का नाम क्या है, अरे गणेश जी है, हर कोई जानता है। लेकिन जब शिव जी का विवाह हुआ था उस समय में भी गणेश जी की पूजा किए, मतलब विवाह से पहले ही गणेश जी आ गए। इसका समाधान क्या होगा, आप रामचरितमानस को उल्टाइए। 101 दोहे में, बालकांड के 101वें दोहे में, मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवान, मतलब शिवजी ने और पार्वती ने विवाह से पहले ही गणेश जी की पूजा की है। इसका मतलब ये हुआ कि गणेश जी उनके पुत्र नहीं थे। हाँ गणेश जी उनके ही पुत्र हैं, लेकिन को सुनि संशय करे जनी सुर अनाद जिए जा। तुलसी बाबा ने शंका भी दिया और वही समाधान भी दिया। एक लाइन में शंका और दूसरी पंक्ति में समाधान है उसका।
को सुनी संशय करे जनी सुर अनाद जिए जान। कहते हैं सबके मन में शंका होगी कि भाई भोले बाबा का विवाह आज हो रहा है। सुनिए रिपीट ज्यादा है थोड़ा कम कर दीजिएगा। तो भोले बाबा का विवाह आज हो रहा है और बेटा पहले आ गया तो को सुनी संशय करे जनी। तुलसी बाबा कहते हैं आज के बाद कोई शंका नहीं करिएगा क्योंकि सुर अनाद जिए जान। देवता जो है अर्थात गणेश जी जो है अनादिकाल से हैं। इसका अर्थ है दो गणेश है, एक गणेश जो भगवान शिव के पुत्र हैं और दूसरे गणेश जो आदिकाल से हैं, अनादिकाल से जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तभी से। आजकल हमारे यहाँ विवाह बेटी के विवाह में दहेज लिया जाता है। यदि किसी का बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, यदि कोई बड़ा पद पर है तो बेटा वाला अपने मनमाने ढंग से दहेज लेता है और उसका परिणाम क्या होता है कल को जाके पता चलता है। दहेज देना बुरी बात नहीं है लेकिन दहेज लेना बुरी बात है। यदि बेटी वाला खुश हो करके बेटा वाला को दे दे तो ये अच्छी बात है। शिवजी को भी मिला दाइज दियो बहुभांति पूर्ण। दाइज माने दहेज। दाइज दियो बहुभांति पूर्ण मतलब अनेक प्रकार से शिवजी को हिमांचल ने दहेज दिया। ऐसा नहीं कि भोले बाबा पहले डिमांड किए थे कि मुझे चाहिए, विदा होते। हर एक पिता के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है चाहे पिता कितना भी कठोर हृदय का हो उसका हृदय दहल जाता है। कब? जब बेटी के विदाई का बेला आता है। जैसे शिवजी विदा होने लगे मैना कहने लगी कत विधि श्री जी नारी जग माही। कत विधि श्री जी नारी जग माही पराधीन सपने हो सुख नाही। पराधीन सपने हो सुख नाही। कत विधि श्री माही पराधीन सपने हो सुख नाही। पराधीन सपने हो सुख नाही। कत विधि सृजी नारी जग माही पराधीन सपने हो सुख नाही। मैना कहने लगी कि संसार में भगवान ने स्त्रियों को बनाया ही क्यों? क्यों? क्योंकि पराधीन सपने हो सुख नाही। स्त्रियों का जीवन जो होता है पराधीन होता है, परतंत्र होती है। जब बेटी बन के रहती है माता पिता के घर में तो माता पिता के बस में रहती है। जब विवाह होता है तो पति के बस में, समाज की मर्यादा के बस में। और जब बेटा बड़ा हो जाता है तो बेटा के बस में। कत विधि सृजी नारी जग माही पराधीन सपने हो सुख नाही। हर एक माता पिता का कर्तव्य बनता है जब बेटी ससुराल जाने लगे तो बेटी को सुंदर उपदेश देना चाहिए। क्या बजा रहे हैं आप आज?
या तो छोड़ दीजिए बजाना, नहीं तो दिक्कत होता है। हर एक माता पिता को अपनी बेटी को ये उपदेश देना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, जैसा कि मैया मैना ने दिया। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बेटी करहु सदा शंकर पद पूजा। शंकर का अर्थ क्या है? सम तनोतीति, सम करोतीति शंकर, मतलब कल्याण करने वाले को शंकर कहते हैं। जो हमारा कल्याण करता है उसको शंकर कहते। करे हूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर के कोई सेवा नहीं, पति की सेवा ही स्त्रियों के लिए सर्वोत्तम धर्म है। अपनी बेटी को शिक्षा दी कौन? मैया मैना। बेटी ससुरा में रही हा तू चांद बन के, बेटी ससुरा में रही हा तू चांद बन के, बेटी ससुरा में रही हा तू चांद बन के, बेटी ससुरा सबके पुत्री के बीच में परान बन के, सबके पुत्री के बीच में परान बन के, बेटी ससुरा में रही हा तू चांद बन के, बेटी ससुरा में सास ससुर के सेवा करिहा, ससुर के सेवा करिहा, सास ससुर के सेवा करिहा, सास ससुर के सेवा करिहा, गोतनी से कब हूँ न झगरिहा, गोतनी से कब हूँ न झगरिहा, गोतनी से कब हूँ न झगरिहा, गोतनी से कब हूँ न झगरिहा। माँ कहती है बेटी से जो के हो के आहट पैहा, के हो के आहट पैहा, मुखरा घूंघट में छुपैहा, मुखरा घूंघट में छुपैहा, जो के हो के आहट पैहा, के हो के आहट पैहा, मुखरा घूंघट में छुपैहा, मुखरा घूंघट में छुपैहा। रही हा घर में हीरा मोती के दुकान बन के, रही हा घर में हीरा मोती के दुकान बन के, बेटी ससुरा में रही हा तू चांद बन के, बेटी ससुरा में रही हा तू चांद बन के, बेटी ससुरा में रही हा तू चांद बन के, बेटी ससुरा में रही हा तू चांद बन के। साँझ के तन को समय जपैहा, साँझ के तन को समय जपैहा,
छोट हर लड़कन के पढ़िया साँझ के तनिको समय जपैया छोट हर लड़कन के पढ़िया घर से बहरा कबहू न जइहा बिटिया सबसे पीछे खइहा ये केवल मैया मैना ने अपनी बेटी को नहीं कहा, आप लोग भी अपनी बेटी को यही ज्ञान दे। बिटिया सबसे पीछे खइहा घर से बहरा कबहू न जइहा ससुर के बाजे जब खरौआ मुखरा घूंघट में छुपैया हो रइहा घर में हीरा मोती के दुकान बन के रइहा घर में हीरा मोती के दुकान बन के रइहा घर में हीरा मोती के दुकान बन के रइहा घर में हीरा मोती के दुकान जय हो बेटे ससुरा में रइहा तू चांद बन के बेटे ओ बेटे ससुरा में रइहा तू चांद बन के सबके उत्तरी के बीच में परान बन के सबके उत्तरी के बीच में परान बन के बेटे ससुरा में रइहा तू चांद बन के बेटे बेटे ससुरा में रइहा तू चांद बन के मैया मैना ने अपनी बेटी पार्वती को सुंदर उपदेश दिया और ये उपदेश प्रत्येक माँ को अपनी बेटी के लिए देना चाहिए। ऐसे तो आजकल मोबाइल का जमाना हो गया है, लोग कहीं भी रहे तो दिन रात बात होती रहती है, लेकिन याद रखिएगा जैसे आपके घर में बहू आती है तो आपकी अपेक्षा होती है कि हमारे अनुसार चले, हमारी बहू को मैं जो कहूं फिर से कल वाला ही प्रॉब्लम हो गया। नहीं नहीं पता नहीं। श्री राधे देखिए आइए ऊपर आके सुनिए, फिर बाद में कल ठीक हुआ था। उसी प्रकार जिनको भगवान की कृपा नहीं होती है पंडाल में आकर के भी इस राम कथा रूपी मंदाकिनी के तट पर आकर के भी वापस हो जाते हैं। जिन पर भगवान की कृपा होती है, श्री सीताराम जी की कृपा होती है, वही इस मंदाकिनी गंगा में डुबकी लगा सकते हैं। हमारे आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। आज अपनी भावना के चतुर्थ पुष्प लेकर के भगवान श्री सीताराम जी के पावन पवित्र चरणारविंद में उपस्थित हुए हैं। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजा करके दो बार भगवान नाम कीर्तन गाएं, तत्पश्चात आज भगवान के अवतार की कथा हम सभी बड़े प्रेम से सुनेंगे। आइए प्रेम से कीर्तन गाएं। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम पूरा बंद मत कीजिए जय सिया राम 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 जय जय सिया राम 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 हरि बोल राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय जय सीताराम बोलिए श्री सीताराम भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की सब संत भगवान की श्री मोनी बाबा की इनर बावस्ती की कथा आयोजक समिति की भक्तिमयी माता की तुलसी महारानी की श्री गौरी शंकर भगवान की श्रोता समाज की
जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए जय सियाराम, जय सियाराम। शिव जी का विवाह तो हो गया। अच्छा, तुलसी बाबा की वैज्ञानिकता देखिए। शिव जी कौन है? तो विश्वास के स्वरूप है। मैया पार्वती क्या है? तो श्रद्धा की स्वरूपा है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो। बालकांड के मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो। भवानी श्रद्धा की स्वरूपा है और भगवान शिव क्या है? पंडित जी वो माइक क्या कर रहे हैं? दो दो माइक काय रखे? ए हटाइए उस माइक। और भगवान शिव जो है विश्वास के स्वरूप है। जब विश्वास और श्रद्धा दोनों का संबंध होता है, दोनों एक होते हैं, तब पुरुषार्थ का जन्म होता है। रामचरितमानस बालकांड के 130वें दोहे के छंद में श्री तुलसी बाबा कहते हैं, जग जान खन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा। सारा संसार भगवान शिव के पुत्र के बारे में जानते हैं। शिव जी के पुत्र का नाम क्या है? इतना तो पता होगा ही, बताइए माता जी। भोले बाबा के पुत्र का नाम क्या है? अरे गणेश जी है, हर कोई जानता है। लेकिन जब शिव जी का विवाह हुआ था उस समय में भी गणेश जी की पूजा किए? मतलब विवाह से पहले ही गणेश जी आ गए। इसका समाधान क्या होगा? आप रामचरितमानस को उल्टाइए। 101 दोहे में, बालकांड के 101वें दोहे में, मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी। मतलब शिवजी ने और पार्वती ने विवाह से पहले ही गणेश जी की पूजा की है। इसका मतलब ये हुआ कि गणेश जी उनके पुत्र नहीं थे। हाँ, गणेश जी उनके ही पुत्र हैं, लेकिन को सुनि संशय करे जनी सुर अनाद जिए जा। तुलसी बाबा ने शंका भी दिया और वही समाधान भी दिया। एक लाइन में शंका और दूसरी पंक्ति में समाधान है उसका। को सुनि संशय करे जनी सुर अनाद जिए जान। कहते हैं सबके मन में शंका होगी कि भाई भोले बाबा का विवाह आज हो रहा है। सुनिए, रिपीट ज्यादा है, थोड़ा कम कर दीजिएगा। तो भोले बाबा का विवाह आज हो रहा है और बेटा पहले आ गया, तो को सुनी संशय करे जनी। तुलसी बाबा कहते हैं आज के बाद कोई शंका नहीं करिएगा, क्योंकि सुर अनाद जिए जान। देवता जो हैं अर्थात गणेश जी जो है अनादि काल से हैं। इसका अर्थ है दो गणेश है, एक गणेश जो भगवान शिव के पुत्र हैं और दूसरे गणेश जो आदि काल से हैं, अनादि काल से, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तभी से।
आजकल हमारे यहाँ विवाह, बेटी के विवाह में दहेज लिया जाता है। यदि किसी का बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, यदि कोई बड़ा पद पर है तो बेटा वाला अपने मनमाने ढंग से दहेज लेता है और उसका परिणाम क्या होता है कल को जाके पता चलता है। दहेज देना बुरी बात नहीं है, लेकिन दहेज लेना बुरी बात है। यदि बेटी वाला खुश होकर के बेटा वाला को दे दे तो ये अच्छी बात है। शिवजी को भी मिला दाइज दियो बहुभांति पूर्ण। दाइज माने दहेज। दाइज दियो बहुभांति पूर्ण मतलब अनेक प्रकार से शिवजी को हिमांचल ने दहेज दिया। ऐसा नहीं कि भोले बाबा पहले डिमांड किए थे कि मुझे चाहिए, विदा होते। हर एक पिता के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है, चाहे पिता कितना भी कठोर हृदय का हो, उसका हृदय दहल जाता है। कब? जब बेटी के विदाई का बेला आता है। जैसे शिवजी विदा होने लगे, मैना कहने लगी, कत विधि सृजी नारी जग माही, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही, कत विधि सृजी नारी जग माही, कत विधि सृजी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही, पराधीन सपने हो सुख नाही, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूं सुख नाही। मैना कहने लगी कि संसार में भगवान ने स्त्रियों को बनाया ही क्यों? क्यों? क्योंकि पराधीन सपने हूं सुख नाही। स्त्रियों का जीवन जो होता है पराधीन होता है, परतंत्र होती है। जब बेटी बन के रहती है माता पिता के घर में तो माता पिता के बस में रहती है, जब विवाह होता है तो पति के बस में, समाज की मर्यादा के बस में, और जब बेटा बड़ा हो जाता है तो बेटा के बस में। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूं सुख नाही। हर एक माता पिता का कर्तव्य बनता है जब बेटी ससुराल जाने लगे तो बेटी को सुंदर उपदेश देना चाहिए। क्या बजा रहे हैं आप आज? या तो छोड़ दीजिए बजाना, नहीं तो दिक्कत होता है। हर एक माता पिता को अपनी बेटी को ये उपदेश देना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, जैसा कि मैया मैना ने दिया। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बेटी करहु सदा शंकर पद पूजा। शंकर का अर्थ क्या है? सम तनोतीति, सम करोतीति शंकर, मतलब कल्याण करने वाले को शंकर कहते हैं। जो हमारा कल्याण करता है उसको शंकर कहते हैं। करे हूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर के कोई सेवा नहीं।
पति की सेवा ही स्त्रियों के लिए सर्वोत्तम धर्म है। अपनी बेटी को शिक्षा दी कौन? मैया मैना। बेटी ससुरा में रही हा तू चांद बन के, बेटी ससुरा में रही हा तू चांद बन के, बेटी ससुरा में रही हा तू चांद बन के, बेटी ससुरा में रही हा तू चांद बन के। सबके पुत्री के बीच में परान बन के, सबके पुत्री के बीच में परान बन के, बेटी ससुरा में रही हा तू चांद बन के, बेटी ससुरा में रही हा तू चांद बन के। सास ससुर के सेवा करिहा, ससुर के सेवा करिहा, सास ससुर के सेवा करिहा, सास ससुर के सेवा करिहा, गोतनी से कब हो न झगरिहा, गोतनी से कब हो न झगरिहा, गोतनी से कब हो न झगरिहा, गोतनी से कब हो न झगरिहा। माँ कहती है बेटी से जो के हो के आहट पैहा, जो के हो के आहट पैहा, मुखरा घूंघट में छुपैहा, मुखरा घूंघट में छुपैहा, जो के हो के आहट पैहा, जो के हो के आहट पैहा, मुखरा घूंघट में छुपैहा, मुखरा घूंघट में छुपैहा, रही हा घर में हीरा मोती के दुकान बन के, रही हा घर में हीरा मोती के दुकान बन के, बेटी ससुरा में रही हा तू चांद बन के, बेटी ससुरा में रही हा तू चांद बन के, बेटी ससुरा में रही हा तू चांद बन के, बेटी ससुरा में रही हा तू चांद बन के। साँझ के तन को समय जपैहा, साँझ के तन को समय जपैहा, छोट हर लड़कन के पढ़ैहा, साँझ के तन को समय जपैहा, साँझ के तन को समय जपैहा, छोट हर लड़कन के पढ़ैहा, घर से बहरा कबहु न जइहा, बिटिया सबसे पीछे खइहा, ये केवल मैया मैना ने अपनी बेटी को नहीं कहा, आप लोग भी अपनी बेटी को यही ज्ञान दे। बिटिया सबसे पीछे खइहा, घर से बहरा कबहु न जइहा, ससुर के बाजे जब खरुआ, मुखरा घूंघट में छुपैहा, हो
छोड़ घर में हीरा मोती के दुकान बन के रही हा घर में हीरा मोती के दुकान बन के रही हा घर में हीरा मोती के दुकान बन के रही हा घर में हीरा मोती के जय हो बेटे ससुरा में रही हा तू चांद बन के बेटे ओ बेटे ससुरा में रही हा तू चांद बन के सबके उत्तरी के बीच में परान बन के सबके उत्तरी के बीच में परान बन के बेटे ससुरा में रही हा तू चांद बन के बेटे बेटे ससुरा में रही हा तू चांद बन के मैया मैना ने अपनी बेटी पार्वती को सुंदर उपदेश दिया और ये उपदेश प्रत्येक माँ को अपनी बेटी के लिए देना चाहिए। ऐसे तो आजकल मोबाइल का जमाना हो गया है, लोग कहीं भी रहे तो दिन रात बात होती रहती है, लेकिन याद रखिएगा जैसे आपके घर में बहू आती है तो आपकी अपेक्षा होती है कि हमारे अनुसार चले, हमारी बहू को मैं जो कहूं फिर से कल वाला ही प्रॉब्लम हो गया। नहीं नहीं पता नहीं। श्री राधे देखिए आइए ऊपर आके सुनिए, फिर बाद में कल ठीक हुआ था।